तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, 150 पार्ट वन में कवर करें, उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में पार्ट वन में से मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछूंगा, उसका भी रिप्लाई आपने मुझको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फटाफट से इसका आपको आंसर देना है और याद रखना है कि बात कर रहा है आगरा से दिल्ली। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या है 51 का। तो 51 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका थर्ड, मतलब शाहजहां। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, पंचमहल कहाँ अवस्थित है? इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड है आपको याद रखना है पंचमहल, और बात कर रहे हैं ये कहाँ पर है। फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर। 52 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका फर्स्ट, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 53, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ। 53 राइट आंसर है इसका थ्री, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 54, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद। 54 राइट आंसर होगा इसका फोर, मतलब इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है 55, मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। मुगल कालीन इमारत के नाम दिए गए हैं ए बी सी डी और उसका स्थान दिया गया है 1 2 3 4। तो फटाफट से इसको देखिए और इसका राइट आंसर इसको मैच करिए। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55। 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने 56 बच्चों, कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो 56 को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। आपको पता होगा बैरकपुर छावनी, यहाँ पे आपका ध्यान जाएगा, बट इसका आंसर वो नहीं है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 54 नहीं, क्वेश्चन नंबर 56 है ये, ठीक है। फटाफट से बताइए राइट आंसर इसका क्या है। 56 का जो राइट आंसर है वो है हमारा मेरठ। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया? लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, तैत्या टोपे, नाना साहेब। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है हमारा फोर, नाना साहेब। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया? लियाकत अली, ब्रिजिस कादिर, बहादुर शाह, खान बहादुर खां। 58 राइट आंसर है इसका टू। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? 1850, 1857, 1858, 1863। 59 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 1858। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम, हजरत महल, लियाकत अली, तैत्या टोपे, कदम सिंह। 60 राइट आंसर होगा इसका ए, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 61, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके इस मेंस के अलावा भी छोटे मोटे एग्जाम में काफी सारे पूछा गया है, ग्रेड डी के एग्जाम पे खासतौर पे, जो आपके पटवारी, यूपी पटवारी वाला एग्जाम होता है, लेखपाल का एग्जाम होता है, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको इसका आंसर आना चाहिए, नहीं पता तो आप इसको नोट्स कहीं बना लेना इसका भी, ठीक है। 61, 61 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका इलाहाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? खान बहादुर, लियाकत अली, मंगल पांडे, मौलवी अहमदुल्ला। 62 का जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट, खान बहादुर। अगला क्वेश्चन है 63, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? लक्ष्मीबाई, बिरजिस कादिर, तैत्या टोपे, कदम सिंह। 63 राइट आंसर है इसका तैत्या टोपे। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सादत खां, वाजिद अली खां, सिजाएदौला, सफदरजंग। 64 राइट आंसर है इसका फर्स्ट।
अगला है 65 अवध का अंतिम नवाब कौन था? सफदरजंग, अरशदुल्ला, वाजिद अली शाह या फिर सिजाउद्दौला। 65, 65 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? सिजाउद्दौला, शाह आलम, वाजिद अली शाह, सफदरजंग। 66 राइट आंसर फर्स्ट, सिजाउद्दौला। देखिए आपको इसी स्पीड से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब देखिए 15 क्वेश्चंस हमने अब तक कवर कर लिए हैं इसमें केवल 6 मिनट में। इसी स्पीड के साथ में आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यही एक्यूरेसी यही एवरेज आपको अपने रियल एग्जाम में भी दिखानी है। अगर आप आराम आराम से क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो शायद टाइम बहुत जल्दी आपके हाथ से फिसल सकता है। तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए यही आता है सेकंड कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाए। तो इस पे भी आपको थोड़ा सा अभी से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 67। बक्सर के युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? बक्सर का ये जो वॉर था ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, उस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि, बक्सर की संधि, बंगाल की संधि, इनमें से कोई भी नहीं। तो 67 का एक्चुअली बक्सर का बक्सर की संधि, आपको डाउट यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा बट इसका राइट आंसर है इलाहाबाद की संधि। आप ये मत सोच रहे बक्सर का युद्ध तो बक्सर की संधि के साथ में समाप्त हुआ होगा, बट यहाँ पे आपका ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? लॉर्ड वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग, क्लाइव। एग्जाम में आपको लॉर्ड 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 बार बार नहीं पढ़ना है, सिंपल स्पीड में वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग, क्लाइव यही देखना है आपको। तो इस स्किल्स के साथ में आपको जीके के सभी क्वेश्चंस रीड करने हैं। 68 है, 68 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 69। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खां, बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग, शाह आलम, सुजाउदौला। 69 राइट आंसर है इसका फर्स्ट, सादत खां, बुरहान उल मुल्क। 70 नंबर है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1854, 1856, 1858, 1860। 70 का राइट आंसर आपका सेकंड, 1856, 71। 71 नंबर है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला, बेगम, हजरत महल, लियाकत अली, खान बहादुर। 71 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या, फर्स्ट, अहमदुल्ला। 72 नंबर है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील, कंपबेल, बिसेंट आयर या फिर हडसन। 72 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सेकंड, कैंप बेल। क्वेश्चन नंबर 73 है, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? हडसन, जनरल हीरोज, कैंपबेल या फिर कर्नल नील। तो 73 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, जनरल हीरोज। क्वेश्चन नंबर 74 है, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील, जनरल हीरोज, बिसेंट आयर या फिर मेजर टेलर। 74 राइट आंसर है इसका फर्स्ट, कर्नल नील। 75, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया? इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, प्रतापगढ़। 75 राइट आंसर है इसका टू, वाराणसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे कौन? मोहम्मद कासिम, ननतोवी, रसीद अहमद गंगोही, सर अहमद खां, बख्त खां। तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर लीजिए, लगाइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 76, तो 76 का राइट आंसर है आपका फोर, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 77, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे कौन? आगा खां, सैयद अहमद खां, रसीद अहमद या फिर सलीम उल्ला। 77 का राइट आंसर हमारा टू, सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 78, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1858, 1864, 1875, 1890। 78 राइट आंसर है थर्ड, 1875।
79 सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, हैनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन। 79 राइट आंसर होगा इसका सेकंड, हैनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 80, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? पंडित मालवीय, शिवदयाल साहिब, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी सहजानंद। 80 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 2, शिवदयाल साहिब। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, डॉक्टर राधा कृष्णन, पंडित मालवीय, आचार्य कृपलानी। 81 राइट आंसर होगा इसका थर्ड, पंडित मालवीय। क्वेश्चन नंबर 82, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? बेलगांव, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता। 82 राइट आंसर है इसका 2, कानपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने? इलाहाबाद, कानपुर, मद्रास, पूना। 83 राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, इलाहाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1898, 1909, 1916, 1925। 84 राइट आंसर होगा इसका थर्ड, 1916। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS की स्थापना कब हुई? 1909, 1874, 1905 एंड 1898। 85 राइट आंसर होगा इसका 4, 1898। क्वेश्चन नंबर 86, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस वे मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर इलाहाबाद। तो 86 का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका सेकंड, लखनऊ। अगला है क्वेश्चन नंबर 87 हमारे सामने, वो पूछता है हमसे कि 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई थी? अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कीवर्ड है इसमें आपको, भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पे हुई थी 1920 में जो हुई थी? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, लखनऊ। तो बताइए फ्रॉड इसका आंसर क्या है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको मैक्सिमम जो बच्चे काफी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उसको किस में डाउट होगा, या तो लखनऊ में होगा या फिर होगा उनको इलाहाबाद में डाउट। तो उनके लिए मैं इतनी हेल्प करना चाहूंगा कि दो ऑप्शंस मैंने आपके लिए चूज करके दे दिए, अब बताइए इसका आंसर क्या है। 87 का वैसे राइट आंसर जो बनेगा बच्चों, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए, आपका इसका राइट आंसर है 4, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 88, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, रास बिहारी। 88 राइट आंसर होगा इसका सेकंड, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया। तो 89 का राइट आंसर है हमारा थर्ड, गोरखपुर। 90, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। 90 राइट आंसर होगा इसका इलाहाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से इसका आंसर लगाइए। 91 कानपुर, इलाहाबाद, इन दो में से कोई एक है। अब बताइए इसका आंसर। राइट आंसर है इसका कानपुर। क्वेश्चन नंबर 92, काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? 5 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1924, 5 अगस्त 1924 एंड 9 अगस्त 1925। 92 का जो राइट आंसर है वो है हमारा 4, 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? 1915, 1918, 1922, 1925। 93 राइट आंसर है इसका सेकंड, 1918। 94, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़ एंड वाराणसी। 94 राइट आंसर है इसका थर्ड, प्रतापगढ़।
क्वेश्चन नंबर 95, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मेरठ, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ। 95 राइट आंसर होगा इसका, 4 लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? गाजीपुर, बलिया, सहारनपुर, मेरठ। 96 राइट आंसर होगा इसका, 2nd बलिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से कर बंदी आंदोलन चलाया था? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना। 97 राइट आंसर है इसका, इलाहाबाद। 98 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? दिल्ली, मद्रास, पूना, इलाहाबाद। 98 राइट आंसर है इसका, 4 इलाहाबाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? 2, 3, 4, 6। 99 राइट आंसर होगा इसका, 3। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से पढ़िएगा। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह या फिर मोतीलाल नेहरू। 100 इसका जो राइट आंसर है, वीडियो को पॉज करके फटाफट दीजिए, इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और आज का आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इसी वीडियो का है। चलिए, ज़्यादा कष्ट मैं आपको नहीं दूंगा, जैसे जैसे वीडियो की सीरीज आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका लाइक बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा एक नया वीडियो बनाने के लिए। और आपसे मैं इसी तरीके से सरप्राइज क्वेश्चन पूछता रहूँगा, आपको बताऊँगा कि इस पार्ट में से क्वेश्चन नंबर ये ऐसे ही वहाँ से कट करके यहाँ पे मैं आपके सामने पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको ये चल जाए पता कि कौन से पार्ट को आपने स्किप कर दिया, कौन से पार्ट में आप ये क्वेश्चन भूल गए थे। अगर आपको आता है इसका राइट आंसर, मुझे आंसर दीजिए, ये इसी वीडियो का क्वेश्चन था। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आपने तरीके से ये वीडियो नहीं देखा है, ध्यान आपकी टेंशन का था, शर्मा जी की टेंशन, वर्मा जी की टेंशन या फिर कोई और टेंशन, तो पढ़ते हुए टेंशन को प्लीज़ साइड रखिए, क्योंकि वो टेंशन आपका ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन खा जाएगी, आपका कैरियर खराब कर सकती है। आपके छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं आपको समझाऊंगा बच्चों की तरह, सही गलत आपको पता है ना, क्या सही है क्या गलत है, थिंक अबाउट इट। वीडियो को देता हूँ यहीं पे मैं अपना पूर्ण विराम, और देखता हूँ कि इस वीडियो को आप कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, और इसको शेयर करिए मैक्सिमम, देखिए जिस बच्चे का एग्ज़ाम होगा, समीक्षा अधिकारी का, लेखपाल का, या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी से संबंधित, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, उसका भी स्कोर मुझको भेजना। अभी आपने केवल 2 कमेंट करने हैं, पहला 50 में से कितना आपने स्कोर गेन करा वो, 2nd इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।